हमेशा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पुस्तक जरोखा का पेज नंबर 38 करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको पता चले कि पेज नंबर 38 में क्या दिया हुआ है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, इस जो पेज नंबर 38 है, इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई है जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी दे रखी है जो हमें नहीं खानी चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो चलो देखते हैं कि कौन सी अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है। नीचे खाने पीने के कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। नीचे हमें खाने पीने के कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जो चीज़ें सेहत के लिए अच्छी है, उनके नाम हरी टोकरी में। देखिए, हमें दो टोकरियाँ दी हुई है, एक हरे रंग की है और एक ये ब्राउन कलर की है। तो हमें दो टोकरियाँ दी हुई है, तो जो हमारे लिए अच्छी है उसके नाम हरी टोकरी में, और जो चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं उसके नाम भूरी टोकरी में लिखने हैं। तो जो चीज़ हमारे सेहत के लिए अच्छे है वो उसको हमें हरी टोकरी में लिखना है, और जो अच्छे नहीं है उनको हमें भूरी टोकरी में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, दूध। तो दूध बच्चों हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, सभी को दूध पीना चाहिए, ये पौष्टिकता से भरपूर होता है, तो इसलिए दूध हरी टोकरी में लिखा जाएगा। कहाँ लिखेंगे हम, हरी टोकरी में दूध। दूध हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद फल। तो बच्चों, जितना ज़रूरी हमारे सेहत के लिए दूध होता है उतना ज़रूरी फल भी होता है, तो फल भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी हम किस में लिखेंगे, हरी टोकरी में। उसके बाद है नूडल्स। तो बच्चों, नूडल्स हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम भूरी टोकरी में लिखेंगे। नूडल्स कहाँ लिखेंगे, भूरी टोकरी में। उसके बाद चने। तो चने हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, चने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन होती है, तो चने हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद दिए कोल्ड ड्रिंक्स। क्या दिया बच्चों, कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। कोल्ड ड्रिंक्स ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। उसके बाद है हरी सब्जियाँ। तो हरी सब्जियाँ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, हरी सब्जियों को हरी टोकरी में लिखेंगे। उसके बाद है बासी खाना। तो बच्चों, जैसे इसका नाम है बासी, तो बासी हमें नहीं खाना चाहिए, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, भूरी टोकरी में, बासी खाना। बिना ढके कटे फल। तो बिना ढके कटे फल हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इसके ऊपर मिट्टी पड़ती है, जो मक्खी वगैरह होती है वो भी बैठती है, तो बिना कटे फल, बिना ढके कटे फल। उसके बाद है ताजा जूस। कहाँ, ताजा जूस। और फिर है दालें और चिप्स। तो चिप्स किस में आएगा, भूरी टोकरी में, और दालें हरी टोकरी में। तो दालें कहाँ लिखेंगे हम, हरी टोकरी में। तो दालें हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, और चिप्स है वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, दालें और चिप्स। तो बच्चों, आज हमने जो चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी है उसको हमने हरी टोकरी में लिखा, और जो अच्छी नहीं है वो भूरी टोकरी में लिखा। तो इन बातों को आपको अपने जीवन में भी ध्यान रखना है कि हरी टोकरी की चीज़ें हमें खानी है और भूरी टोकरी की चीज़ें कभी नहीं लेनी है। तो बच्चों, आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय।